हेलो फ्रेंड्स मैं मेजयिर शाह और आज हम सोल्व करने वाले हैं इंडिया पिक्स के आईसी इंजन और न्यूक्लियर पावर प्लांट में से आईसी इंजन के फर्स्ट टॉपिक के पूरे एमसीक्यू तो आपको दिखाई दे रहा है कि इंडिया पिक्स का ऐप मैंने डाउनलोड कर लिया है और इंडिया पिक्स में आपको कहाँ पर जाना है तो आप वीडियो को पहले से रिवाइंड करके देख सकते हैं हम आज ये सेक्शन वन कंप्लीट करने वाले हैं चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन द रेफरेंस फ्यूल फॉर नॉक रेटिंग ऑफ स्पार्क इग्निशन इंजन वुड इंक्लूड नॉक रेटिंग के लिए नॉर्मल हेप्टेन और आइसो ऑक्टेन आइसो ऑक्टेन देखना है और नॉर्मल हेप्टेन नॉर्मल हेप्टेन जीरो अगर नॉर्मल हेप्टेन जितना ज़्यादा होगा उतना ऑक्टेन रेटिंग कम होगी आइसो ऑक्टेन जितना ज़्यादा होगा उतनी ऑक्टेन रेटिंग ज़्यादा होगी द डीजल इंजिन आर ऑल्सो नोन एज कंप्रेशन इग्निशन इंजिन इन अ फोर स्ट्रोक साइकिल द मिनिम टेम्परेचर इन साइट द इंजन सिलेंडर अक्सर साइड द बिगनिंग ऑफ दोक इन हीट एंड मिस गवर्निंग द फ्यूल सप्लाई इज कट ऑफ कंप्लीटली ड्यूरिंग वन और मोर नंबर ऑफ साइकिल हीट और मिस गवर्निंग एक बार हीट होता है काफ़ी बार मिस भी होता है तो इसीलिए नाम उसका रखा गया हीट और मिस ताकि मिस भी हो जाए काफ़ी टाइम फ्यूल की साइकिल चलेगी मगर वहाँ पर फ्यूल सप्लाई नहीं होगा द थर्मलशियंसी ऑफ द एयर स्टैंडर्ड ऑटोसाइकल फॉर अंप्रेशन रेशियो फाइव पॉइंट फाइव विल भी इसका इक्वेशन रहेगा थर्मल एफिशियंसी इज इक्वल टू वन माइनस वन अपॉन आर टू गेमा माइनस वन और इसकी एफिशियंसी आएगी फिफ्टी परसेंटेज नेक्स्ट सेकेंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ चार्ज एडमिटेड एट एन टी पी यानी नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर टू द वॉल्यूम ऑफ द पिस्टन इज कोल्ड वॉल्यूमेट्रिक एफिशियंसी इसमें बोला क्या गया है कि द रेशियो ऑफ दी वॉल्यूम ऑफ चार्ज एडमिटेड चार्ज कितना अंदर आ रहा है उसके वॉल्यूम के हिसाब से तो वॉल्यूम जितना है उसके अंदर जितना भी चार्ज आता है वहां से एफिशिएंसी मिलती है वॉल्यूमेट्रिक दी एग्जॉस्ट वाल्व इन अ फोर स्ट्रोक साइकिल पेट्रोल इंजन एग्जोस्ट वाल्व की बात चल रही है बीडीसी से, से पहले खुलेगा ओपन सेट फिफ्टी डिग्री बिफोर रिएक्टर का तो हम नहीं कर रहे हैं मॉडरेटर का भी हम नहीं कर रहे हैं पेट्रोलियम का भी हम नहीं कर रहे हैं थर्ड पोजीशन पे चलते हैं आईसी इंजन का देखना है द ब्रेक पावर ऑफ द डीजल इंजन कीपिंग अदर पैरामीटर कॉन्स्टेंट कैन बी इंक्रीज बाय ब्रेक पावर को वैसे इंक्रीज करते हैं प्रेशर बढ़ाकर एयर का इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑफ द इन एयर डीजल इंजिन The fuel is injected in the form of very fine spray into the cylinder, which gets ignited due to high temperature of the compressed air. Diesel engine that uh, due to high temperature of the compressor ke fuel ka combustion hota hai. Pre ignition is caused by the spontaneous combustion of the mixture before the end of the compression stroke, and it is due to प्री इग्निशन होना यानी फ्यूल का स्पार्क होने से पहले ही जल जाना तो उसके लिए क्या क्या जवाबदार है सिलेंडर वॉल गर्म होती है तो वो भी एक वजह हो सकती है ओवर हीटेड स्पार्क प्लग पॉइंट वो भी एक वजह हो सकती है और रेड हॉट कार्बन डिपोजिट ऑन अ सिलेंडर वॉल ये भी एक वजह हो सकती है यानी एनी ऑफ दो दिस एक्सपांशन ऑफ द फ्यूल इन अ फोर स्ट्रोक साइकिल डीजल इंजिन द एक्सपांशन ऑफ द फ्यूल एक्सपांसन कब होता है देखिए एक्सपांसन की प्रक्रिया कब चालू हो जाती है इसकी बात कर रहे हैं ये तो इसमें क्या लिखा हुआ है और डीजल इंजन की बात कर रहे हैं डीजल इंजन की बात कर रहे हैं ये सबसे बड़ी बात है तो एक्सपांसन जो स्ट्रोक होता है कंप्रेशन स्ट्रोक के बाद आता है आइडियली बट जब हम बात कर रहे हैं कम डीज़ल इंजन की तो क्या होता है कि वो टॉप डेड सेंटर से पहले वहाँ पर पाँच डिग्री पहले इग्नाइट फ्यूल फ्यूल का इंजेक्शन होना चालू हो जाता है तो पाँच मिनट पाँच डिग्री पहले सॉरी पाँच डिग्री ऑफ क्रैंक रोटेशन पहले टॉप डेड सेंटर से पाँच डिग्री क्रैंक रोटेशन पहले तो हमें देखना क्या है टॉप डेड सेंटर से पहले टॉप डेड सेंटर से पहले फ्यूल इंजेक्ट होना चालू होता है सॉरी और टॉप डेड सेंटर के बाद फ्यूल का इग्निशन चालू होता है यानी हमें देखना क्या है सॉरी फिर से मैं बता देता हूँ टॉप डेड सेंटर से बाद में देखना है थोड़ा सा क्योंकि फ्यूल पाँच डिग्री पहले ही इनलेट होता है एक्सपांसन स्ट्रोक कब होगा जब पिस्टन नीचे मूवमेंट करेगा पिस्टन कब कर नीचे मूवमेंट करेगा जब फ्यूल जलना चालू करेगा तो फ्यूल कब जलना चालू करेगा आफ्टर इज टू रिड्यूस द मास ऑफ द इंजन सुपर चार्जिंग में करते हैं क्या है कि सुपर चार्जिंग में हम कंप्रेस्ड गेयर कंप्रेस्ड एयर भेजते हैं इंजन के अंदर कंप्रेस्ड एयर भेजी तो क्या होगा कि इंजन की साइज कम हो जाएगी इंजन का मास कम हो जाएगा और पावर आउटपुट भी बढ़ जाएगा यानी सभी नेक्स्ट द ओपन कंबसन चैम्बर इन अ डीजल इंजन द सेप एंड लेआउट ऑफ द पिस्टन क्राउन द इनलेट पोर्ट एंड द वाल्व प्रोड्यूस द टर्बुलेंट इफेक्ट ऑफ फ्यूल मिक्सचर कंबसन चैम्बर में अगर पिस्टन क्राउन की सेप चेंज कर दी जाए तो वो टर्बुलेंट क्रिएट करता है सही बात है इन फोर स्ट्रोक साइकल पेट्रोल इंजिन कब होता है टॉप डेड सेंटर से पहले थर्टी डिग्री बिफोर टॉप डेड सेंटर सही है मोडरेटर तो हम नहीं कर रहे हैं रिएक्टर भी हम नहीं कर रहे हैं इन डीजल इंजिन द ड्यूरेशन बिटवीन द टाइम ऑफ इंजेक्शन एंड इग्निशन इज नोन एज डिले पीरियड नेक्स्ट द डिटोनेटिंग टेंडेंसी इन पेट्रोल इंजन इंक्रीजिज विक्रीज ऑफ कंप्रेशन रेशियो डिटोनेटिंग यानी नोकिंग नोकिंग यानी फ्यूल जब जल रहा है तो फ्यूल की एक फ्लेम होती है वो फ्लेम पूरी फ्यूल को जलाती है मगर फ्यूल अगर नीचे पड़ा हुआ है कुछ टंकी के नीचे और ऊपर से फ्लेम आ रही है उससे पहले टंकी वाला जो नीचे वाला फ्यूल है वो जल जाता है तो उसको डिटोनेशन नोकिंग पिंकिंग कहते हैं और ये सही बात बता रहे हैं कि डिटोनेशन टेंडेंसी इन पेट्रोल इंजन इंक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ दी कंप्रेशन रेशियो कंप्रेशन रेशियो बढ़ेगा प्रेशर बढ़ेगा प्रेशर बढ़ेगा तो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर करना बहुत आसान हो जाएगा ट्रू इच फीजन फीजन वाला हम नहीं कर रहे हैं न्यूक्लियर के रिलेटेड है रिएक्टर भी न्यूक्लियर के रिलेटेड है प्राइमरी फ्यूल यूज़ न्यूक्लियर के रिलेटेड है अब आ गया पेट्रोल इंजिन यूजिंग द फिक्स ऑक्टेनरेटिंग फ्यूल एंड फिक्स कंप्रेशन रेशियो सुपर चार्जिंग विल इंक्रीज सुपर चार्जिंग से होता क्या है वही चीज़ के हम ज़्यादा कंप्रेस्ड एयर भेज रहे हैं ज्यादा कंप्रेस्ड एयर भेजने से ज्यादा एयर हो जाएगी ज्यादा टेम्परेचर क्रिएट करेगा ज्यादा टेम्परेचर क्रिएट करेगा तो फ्यूल का भी सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर पहले ही अटेंड कर लेना ज्यादा बनेगा फ्यूल के प्रपोकेट होने से पहले फ्लेम के प्रपोकेट होने से पहले ऑर्डिनरी वाटर इज समाइम यूज मोडोरेटर ये न्यूक्लियर का है दी कंपेंसेटिंग जेट इन कार्बोरेटर सप्लाई ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट अमाउंट ऑफ पेट्रोल एट ऑल स्पीड बिकॉज दी क्यों ये कंपेंसेटिंग जेड प्रोवाइड कर सकता है क्योंकि फ्लोट चैम्बर में फ्यूल जो होता है फ्यूल का हेड जो होता है वो कांस्टेंट रहता है इसी वजह से फ्लो प्रोड्यूस ड्यू टू हेड इन द फ्लोट चैम्बर फ्लोट का काम ही वही है कि पेट्रोल की टंकी में से पेट्रोल लेते रहना अगर उसका लेवल मेंटेन करना फ्लोट चैम्बर का काम ही वही है द इफेक्टिव इनहिबिटर ऑफ द प्रिग्निशन प्रियग्निशन ना हो उसके लिए क्या इसमें से मदद कर सकता है वाटर फिर इग्निशन क्या होता है इग्नाइट हो जाना स्पार्क होने से पहले डिटोनेशन नोकिंग पिंकिंग क्या होता है स्पार्क होने के बाद फ्यूल जो फ्लेम प्रपोगेट कर रही है उसके साथ ना प्रपोगेट होके यानी फ्यूल फ्लेम होती है ना वो आगे बढ़ती है आग लगती है तो जंगल में जैसे जैसे आगे बढ़ती है एक जंगल ले लो उसमें एक किनारे वाला एक पेड़ ले लो आग दूसरे छोर से आग लग रही है अब होता क्या है कि दूसरे छोर से जो आग लगी वो आग बढ़ रहेगी फिर पुराने यानी एक दूसरे किनारे वाले छोर को वो जलाएगी ना मगर होता क्या है कि पेट्रोल में क्या होता है कि जैसे यहाँ से आग एक किनारे से बढ़ रही है तो दूसरे किनारे वाला जो फ्यूल है वो अपना सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर अटेंड करके खुद ब खुद जलना चालू कर देता है यानी वो आग सामने आती है तो इसको हम डिटोनेशन नॉकिंग या पिंकिंग बोलते हैं द पर्पज ऑफ़ द टेस्टिंग एंड इंटरनल कंपर्शन इंजीनियज टू डिटरमाइन द इंफॉर्मेशन विच कैन नॉट बी ऑप्टेन बाई द कैलकुलेशन सही है टू कन्फर्म द डेटा यूज द डिज़ाइन द वैलिडिटी ऑफ सच मे बी डाउटफुल सही है <laughs> वो भी बात सही है द सेटिस बी बी क्वेश्चन है ना बी जो ऑप्शन है उसको पढ़ो और उसको लॉजिकली समझो तो हँसी आएगी आपको कि ये बहुत अच्छा लिखा हुआ है कि जो डेटा लिखते हो उसको वैलिडेट भी करना डाउटफुल है टू सेटिसफाइड द कस्टमर रिगार्डिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द इंजन एंड ऑल ऑफो ऑल ऑफ़ दबो क्योंकि हम देखते हैं कि काफ़ी टाइम जो लिखा होता है कि इतनी एवरेज देती है जब हम रोड पर चला रहे हैं तो उतनी एवरेज नहीं देती यानी वो एक प्रिसाइज कंडीशन है एक पे प्रीमाइसिस में ही दे रहा है और उसके अलावा कहीं पर भी इतना एवरेज नहीं दे रहा है द थर्मल एफिशियंसी ऑफ द डीजल इंजिन पेट्रोल इंजन से ज़्यादा है क्योंकि फ्यूल को इंजेक्ट किया जाता है ड्रॉपलेट्स में तो पेट्रोल इंजन की हमने फर्स्ट जो फाइव एमसीक्यू सी सॉल्व किए उसमें से फिफ्थ एमसीक्यू था उसमें हमने फिफ्टी निकाली थी तो उससे ज़्यादा यानी सेवेंटी होगी सेवंथ अ डीजल इंजन हैज़ थ्री वाल इसमें इंजेक्टर को मत भूलना द सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द पेट्रोल इज हायर देन द डीजल इंजिन द प्रेशर इनसाइड द सिलेंडर इज एबो इन टू द ब्लैंक द एटमोस्फेरिक प्रेशर ड्यूरिंग द एग्जो स्ट्रोक एग्जोस्ट्रोक में धुआं बाहर का निकलेगा जब एटमोस्फेरिक प्रेशर से अंदर का प्रेशर ज़्यादा हो तो वरना तो धुआं खींच लेगा एबो एटमोस्फेरिक प्रेशर द इंक्रीज ऑफ कूलिंग वाटर टेम्परेचर इन पेट्रोल इंजिन विल इंक्रीज ऑफ कूलिंग वाटर टेम्परेचर कूलिंग वाटर यूज क्यों करते हैं कूल cool करने के लिए इंजिन को अगर उसका ही टेम्परेचर बढ़ गया तो नोकिंग no टेंडेंसी बढ़ जाएगी कार्बोरेटर यूज टू सप्लाई कार्बोरेटर क्यों यूज किया जाता है सप्लाई क्या करने के लिए पेट्रोल और एयर को और उसको सिर्फ ऑटो इंजन में यूज़ किया तो जाता है यू थर्टी थ्री का क्वेश्चन नहीं करेंगे हम प्रेशर एट द एंड ऑफ द कंप्रेशन इन डीजल इंजन डीजल इंजन में तो प्रेशर जाता है थर्टी फाइव आर तक सबसे ज़्यादा वाला प्रेशर ही लिखना है इसमें द डिटोनेशन इज ऑल्सो कोल्ड नोकिंग और पिंकिंग सही है तीनों के फिनोमना सही है द प्रिग्निशन अकर्स बिफोर द स्पार्क इज प्रोड्यूस वेरी इज द डिटोनेशन डेवलप्स आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ पार्क ये मैं बोलूंगा कि एकदम जैकपॉट टाइप का ये क्वेश्चन है थर्टी नाइन नंबर का इसको ध्यान से पढ़िए क्योंकि यही चीज आपको क्लियरली डिफाइन कर रही है कि वॉट इज प्रीशन एंड व्हाट इज नॉकिंग डिटोनेशन एंड पिंकिंग व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्री इग्निशन एंड नॉकिंग डिटोनेशन एंड पिंकिंग क्योंकि दोनों में कंफ्यूज इतने स्टूडेंट होते हैं कि बात मत पूछो प्री इग्निशन प्री इग्निशन मैंने कितने वाइबा लिए हैं सभी लोग प्री इग्निशन प्री इग्निशन करते हैं मैं बोल रहा हूँ कि प्री इग्निशन कब होता है और नोकिंग कब होता है तो उसका डिफरेंस बताना बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं प्री इग्निशन यानी स्पार्क प्लग होने से पहले इग्नाइट हो जाना और डिटोनेशन यानी अब फ्लेम एक बार प्रपोकेट हो गई स्पार्क हो गया फ्लेम प्रपोकेट हो गई फिर दूसरे किनारे वाला यानी पिस्टन के जो सरफेस पे है वो उसके ऊपर का जो फ्यूल है उसका सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर अटेंड कर लेना सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर बोलना डिटोनेशन में और प्री इग्निशन में प्री इग्नाइट बोलना तो समझ में आ जाएगा क्या डिफरेंस है दी एनर्जी रिलीज फ्यूजन फ्यूजन कुछ नहीं करना है हमें मोर मोर्स्टेस्ट यह मल्टी सिलेंडर इंजिन के लिए होता है ये भी बहुत आएम पी क्वेश्चन है अगर थी इसकी चाहिए तो मैं आपको बना के वीडियो सेपरेटली बना के दे दूंगा द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द गुड कंप्रशन चैम्बर इज मिनिमम टर्बुलेंस लो कंप्रेशन रेशियो हाई थर्मल एफिशिएंसी एंड पावर आउटपुट यही रहता है टर्बुलन्स क्यों कम करना ज़्यादा करना होता है इन अ फोर स्ट्रोक साइकिल पेट्रोल इंजिन द चार्ज इज कम्प्रेस वेन बोथ वॉल्स चार्ज कब कंप्रेस होता है जब वॉल्व क्लोज हो तब वरना तो कंप्रेस हो ही नहीं पाएगा दी थर्मल एफिशिएंसी ऑफ द डीजल इंजन ऑन अ वीक वीक मिक्सचर इज थर्मल एफिशिएंसी कैसी रहेगी वीक मिक्सचर की बात कर रहे हैं वीक मिक्सचर वीक मिक्सचर किसको बोलते हैं जहाँ पर एयर ज्यादा है और पेट्रोल कम है या फ्यूल कम है रिच मिक्सचर किसको बोलते हैं जहाँ फ्यूल ज्यादा है और एयर कम है अब वीक मिक्सचर में थर्मल एफिशिएंसी ज्यादा होगी क्योंकि एयर ज़्यादा है और फ्यूल को कंबेशन होने के लिए भी क्या चाहिए एयर चाहिए तो फ्यूल का कंप्लीट कम्बशन होगा यानी इनपुट का कंप्लीट कम्बशन होगा थर्मल एफिशियंसी हायर द इंजेक्शन प्रेशर इन अ डीजल इंजन इज अबाउट अभी देखो थर्टी फाइव बार तक तो हमने देख लिया कि उसका कंप्रेशन जो प्रेशर होता है वो रहता है तो थर्टी फाइव बार से तो अब ही आंसर आएगा तो डीजल इंजन में कितना इंजेक्शन प्रेशर रहता है हंड्रेड बार तक तब जाके वो इंजेक्ट कर पाएगा थर्टी फाइव बार में हंड्रेड बार इंजेक्ट कर पाएगा थर्टी फाइव से कम वाला तो वापस इंजेक्टर में भेज देगा फ्यूल सॉरी एयर को स्पीड कंप्रेशन इंजन एक ऐसा इंजन है भी बोलते हैं इसको ये पे काम करता है इनलेट वाल्व फोर स्ट्रोक साइकिल पेट्रोल इंजन में इनलेट वाल्व की बात कर रहे हैं इनलेट वाल फोर स्ट्रोक साइकिल पेट्रोल इंजन में इनलेट वॉल्व कब खुलेगा टॉप डेड सेंटर से पहले और बंद कब होगा बॉटम डेड सेंटर के बाद ओपन्स एट टॉप डेट सेंटर गलत जाने तो पहला ए ऑप्शन बी ऑप्शन ओपन ट्वेंटी डिग्री बिफोर टॉप डेट सेंटर सही है एंड क्लोजेस फोर्टी डिग्री आफ्टर बॉटम डेट सेंटर सही है बी ए ऑप्शन सही है न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं कर रहे हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं कर रहे हैं द न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं कर रहे हैं तो इसी के साथ हमने आईसी इंजन के सेक्शन वन में जितने भी क्वेश्चन थे वो कवर कर लिए हैं आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा अगर आपके कोई भी डाउट है कि सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के भेज दीजिए इतना वीडियो आप देख रहे हैं तो एक मेहरबानी कीजिए कि सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए लाइक बटन को दबा दीजिए और शेयर कीजिए जितने भी स्टूडेंट सिक्स सेमेस्टर मैकेनिकल में इंडिया में पढ़ रहे हैं उसके साथ क्या क्योंकि ये वीडियो जितना आगे जाएगा उतना मुझे क्रिटिसिज्म मिलेगा उतना मैं इम्प्रूव कर पाऊंगा तो आपकी बहुत मेहरबानी कि आप ये वीडियो को आगे बढ़ाएँ थैंक यू वेरी मच अ नाइस डे